तो हेलो मेरे डियर साथियों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो बच्चों, आज की जो वीडियो है, आज की वीडियो बेटा बहुत ज्यादा लॉन्ग तो नहीं होने वाली, लेकिन ये कहूंगा कि ये जो वीडियो है बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में गाइस यार हम जो हमारे सेक जो फर्स्ट यूनिट चल रही है, इस फर्स्ट यूनिट के लिए जो जरूरी जो इम्पोर्टेंट फॉर्मूले हैं उन पर हम बात करने वाले हैं। अक्सर क्या होता है, ये जो मैं चीज बता रहा हूँ इसमें अक्सर कंफ्यूजन होता है, और जिससे क्या होता है हमारी जो चीजें हैं वो क्लियर हो ही नहीं पाती है ना। तो आज हम इन्हीं फॉर्मूलों पर बात करेंगे। तो पिछली वीडियो में दोस्तों हमने हेनरी नियम पढ़ा था, और हेनरी नियम जो था वो कम्प्लीटली हमने बहुत अच्छे से इसको समझ के कंप्लीट किया था, ठीक है। तो अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में यार मैं उसका लिंक दे दूंगा, और बाकी यार ठीक है, कोई भी वीडियो आपको देखना हो हमारे चैनल पर जाइए, चैनल पर वीडियोज वाले ऑप्शन पर जाइए, या वो प्लेलिस्ट वाला ऑप्शन है उस पर जाइए, आपको सारा कुछ कंटेंट जो है ना वहाँ पर मिल जाता है, कोई दिक्कत नहीं, आप आराम से देख सकते हैं, ठीक है। कभी या ऐसा होता है कि देखो कभी यूट्यूब की टेक्नोलॉजी है, कभी क्या होता है नोटिफिकेशन भी नहीं आ पाता, तो यार बिल्कुल यार इंतजार मत कीजिए, आप समय हुआ समय के हिसाब से आप डायरेक्ट चैनल पर जाइए, ठीक है, वीडियोस के ऑप्शन पर जाइए, आपको वहाँ वीडियो मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो हमारी वीडियो आज की जो क्लास है उसको स्टार्ट करते हैं। तो आज की जो क्लास है वो बिलियन पर ही है, ठीक है, क्योंकि अभी बिलियन हमारा चल ही रहा है चैप्टर नंबर 1। तो आज की वीडियो में कुछ खास फॉर्मूले इम्पोर्टेंट फॉर्मूले जानेंगे जो आपको बहुत जरूरी है, ठीक है। देखो अब आपको ये तो पता ही है बेटा कि जो भार है, भार को इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, वेट बोलते हैं। भार को इंग्लिश में क्या बोलते हैं बेटा, वेट बोलते हैं। अब तो वेट बोलते हैं तो वेट को हम रिप्रेजेंट किससे करेंगे, डब्ल्यू से, क्योंकि इंग्लिश में इसको वेट बोलते हैं, ठीक है। अब अणु भार या अणु द्रव्यमान या परमाणु द्रव्यमान, ये भी कुछ भी आ जाए, अणु भार आ जाए, अणु द्रव्यमान आ जाए, परमाणु द्रव्यमान आ जाए, इसको ना हम इंग्लिश में मास बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मास। अब जैसे अणु भार आया तो एटॉमिक मास आएगा, परमाणु भार सॉरी अणु भार आया तो मॉलिक्यूलर मास आएगा, और परमाणु भार आया तो एटॉमिक मास आएगा, ओवरऑल मास ही आना है ना। तो अणु भार हो, अणु द्रव्यमान हो या परमाणु द्रव्यमान हो, इसको हम किससे व्यक्त करेंगे बेटा, एम से व्यक्त करेंगे, क्योंकि मास का एम आएगा, ठीक है। अब हमने आगे चीजों को सीख लिया था कि जो बिलियन है वो भाई विलायक और विली दोनों से मिलकर बनता है, विलायक और विली मिलेंगे तो क्या बन जाएगा बेटा, बिलियन बन जाएगा। तो हमने आपको बताया था कि जो विलायक है, विलायक को हमेशा हम किससे व्यक्त करेंगे, ए से व्यक्त करेंगे, और विली को हमेशा हम किससे व्यक्त करेंगे बेटा, बी से व्यक्त करेंगे, ठीक है। अब इतना क्लियर है, तो अब यहाँ चीजों को समझना। अब ये आपका क्या है बेटा, डब्ल्यू, ये आपका क्या है, डब्ल्यू। तो डब्ल्यू क्या है, भार। अब W जब लिख दिया तो समझ लेना ये भार है, अब जब जब मैं W लिखूंगा तो समझ लेना क्या है, वो भार है। तो W तो भार है, अब मैंने यहाँ A लिख दिया तो ये हमने लिख दिया W A, क्या हो गया W A। तो बताओ ये क्या बन गया, आप बताओ ये क्या बन गया, तो W क्या है भार और A क्या है विलायक, तो ये क्या बन गया, विलायक का भार, क्या बन गया बेटा, विलायक का भार। तो ऐसी चीजों को आपको पहचानना है ना, क्योंकि अब आपको ये कीवर्ड ही दिए रहेंगे, है ना, ओके। तो विलायक का क्या है बेटा, ये भार है, विलायक का भार है, ठीक है। अब इसी टाइप से अगर मैं यहाँ W लिखकर इसके साथ B लिख दूं तो ये क्या बन जाएगा, बोलो ये क्या बन जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा भाई, विलेय का भार हो जाएगा, क्योंकि B क्या है, विलेय है, और W क्या है, भार है, तो ये बन जाएगा विलेय का भार, विलेय का भार, ठीक है। आप समझ पा रहे हो चीजों को, ठीक है। और इसी प्रकार से अगर भाई मैं यहाँ पर एम ए लिख दूं, क्या लिख दूं, एम ए, तो ये क्या बन जाएगा, अब एम क्या है भाई, द्रव्यमान है, तो ये ए क्या है, विलायक, तो विलायक का द्रव्यमान बन जाएगा, ये काय का द्रव्यमान बन जाएगा, विलायक का द्रव्यमान, ठीक है। और यहाँ पर मैं एम बी लिख दूं तो ये क्या बन जाएगा, विलेय का द्रव्यमान बन जाएगा, समझ रहे हो आप चीजों को, ठीक है। तो ऐसे करके अब आपको ये हिंदी वर्ड नहीं लिखे रहेंगे, हिंदी वर्ड आपको आगे जाके नहीं मिलेंगे, है ना, आपको ये लिखा रहेगा डब्ल्यू ए डब्ल्यू बी एम ए एम बी, तो आपको इनसे ही देखकर पहचानना है, ठीक है। तो इनसे आपका क्या होगा, और समय भी बच जाएगा, आपको इतनी सारी थ्योरी नहीं लिखनी पड़ेगी, डायरेक्ट एम ए डब्ल्यू ए ये सब लिखेंगे तो आपका समय भी उसमें बचेगा, ठीक है। तो इन चीजों को याद रखना, ठीक है। तो यहाँ से हमारा इतना समझ आ गया आपको, ठीक है, आगे बढ़ो। अब देखो एक फॉर्मूला होता है मोल संख्या, मोल संख्या का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, भार बटे अणु भार, ठीक है, भार बटे अणु भार। तो भार को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वेट, तो वेट का क्या जाएगा डब्ल्यू, और अणु भार को क्या बोलते हैं, मास, तो मास का क्या जाएगा एम। तो एम का जो फॉर्मूला ओवरऑल बनता है वो क्या बनता है, डब्ल्यू अपॉन एम बनता है, ठीक है। अगला सुनो,
अगर मैं यहाँ बेटा एन ए लिख दूं, क्या लिख दूं, एन ए लिख दूं, ठीक है, ये एन है और ये क्या है, ए है, तो मैंने एन ए लिख दिया है, क्या लिख दिया, एन ए, तो अगर एन ए लिख दिया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डब्ल्यू ए, और यहाँ क्या हो जाएगा, एम ए, क्योंकि जब यहाँ ए लिखा है तो मुझे इनमें भी ए लिखना पड़ेगा, ठीक है, यहाँ लिखा है ए तो यहाँ भी ए और यहाँ भी ए लिखना पड़ेगा, ठीक है, तो ये तो क्या था, मूल संख्या, एन तो क्या था, मूल संख्या, अब मैंने एन ए लिख दिया तो ये क्या बन गया भाई, विलायक की मूल संख्या बन गई, किसकी मूल संख्या बन गई बेटा, विलायक की मूल संख्या, ठीक है, ध्यान रखना ये, ठीक है, विलायक के मूल संख्या, विलायक के मूल संख्या, ठीक है, क्लियर हो चुका है, ठीक है, तो इनको याद रखना आपको इन चीजों को, है ना, ये कीवर्ड, ओके, अब यहाँ पर अगर एन बी लिख दूं, एन बी लिख दूं, तो यहाँ पर क्या जाएगा भाई, डब्ल्यू बी, और यहाँ पर क्या जाएगा, एम बी, इसके अकॉर्डिंग ही चल रहा है हम, है ना, तो इन चीजों को याद रखना, एन ए क्या है, विलायक की मूल संख्या, अब एन बी लिख दिया तो किसकी मूल संख्या बन गई, विलेय की मूल संख्या, क्लियर हो चुका है, ये विलायक की मूल संख्या और ये विलेय की मूल संख्या, ये चीजें जो मैं बता रहा हूँ बहुत जरूरी है आपके लिए, ठीक है, और आपका जो बेसिक बनाने के लिए तो बहुत 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 ज्यादा जरूरी है, ठीक है, है ना, और बेसिक हमें स्ट्रॉन्ग करना है, क्योंकि बेसिक अगर हमारा स्ट्रॉन्ग हो जाता है तो आगे हमारे लिए बहुत सी चीजें आसान हो जाती है, ठीक है, तो आप मैंने आपको आपको अभी तक दो तीन क्लासें देखी दी हैं, और दो तीन क्लास में आपने देखा होगा कितने बेसिक से चल रहे हैं, कितने अच्छे से चल रहे हैं हम लोग पढ़ते हुए, ठीक है, एक एक चीज को पढ़ रहे हैं, कोई चीज छोड़ नहीं रहे, मस्त तरीके से चल रहे हैं, ठीक है, तो भाई आपका भी कर्तव्य बनता है कि आप अच्छे से पढ़ो, ठीक है, आप भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि भाई आप अच्छे से पढ़ो, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करो, देखो एक बात तो ये है कि यार भाई आप ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर नहीं कर रहे हैं ना, दूसरी बात ये है कि आप फीडबैक नहीं दे रहे कि भाई कैसा वीडियो लग रहा है, क्या इसमें आ रहा है, मजा आ रहा है, नहीं आ रहा, जो भी है, हम ये नहीं कह रहे कि आप तो कह दो सर नहीं आ रहा मजा, ये कह दो, ठीक है, लेकिन कहो तो कुछ यार, है ना, कहना चाहिए, ठीक है, तो भाई ये सब चीजें क्लियर हो गई, ठीक है, ओके, आगे बढ़ेंगे, देखो आगे बढ़ेंगे तो आगे बढ़ने के लिए हमें देखो ग्राम तुल्यांक की संख्या देखना पड़ेगा, क्या देखना पड़ेगा, ग्राम तुल्यांक की संख्या, तो ग्राम तुल्यांक की संख्या का फॉर्मूला होता है भार बटे तुल्यांक की भार, ठीक है, अब भार वही है वेट वाला, ये वाला भार, ठीक है, और तुल्यांक की भार ये है, तो देखो मैंने पिछले वीडियो में आपको तुल्यांक की भार जो है ना निकालना बताया था, और कुछ जो है ना कुछ यौगिक भी दिए थे कि भाई इनका आपको घर से निकाल के लाना, मतलब आपको निकालना है ना, तो एक वो होमवर्क भी था, है ना, तो आपको जो होमवर्क दिया जाता है बिल्कुल यार अच्छे से किया करो, क्योंकि पढ़ना आपको है, मेरा काम केवल पढ़ाना है, मेरा काम कहना है कि भाई ये काम कर लेना, ठीक है, आप नहीं करोगे तो आपकी गलती रहेगी उसमें, है ना, ठीक है, चलो अब यहाँ देखो तुल्यांक की भार, तो तुल्यांक की भार क्या होता है बेटा, अणु भार और अधिकतम संयोजकता, ठीक है, तुल्यांक की भार निकालना है तो अणु भार में हमें अधिकतम संयोजकता से भाग लगाना पड़ेगा, ठीक है, तो ये चीज मैंने आपको निकाल के बताई थी, ठीक है, देखो एक बार और मैं बता दे रहा हूँ, जैसे मान के चलो हमें NaOH का क्या निकालना बेटा, तुल्यांक की भार निकालना है, क्या निकालना है, तुल्यांक की भार, एक चीज और सुनो, ठीक है, इसको इंग्लिश में बेटा हम बोलते हैं इक्वलीब्रियम, इक्वलीब्रियम, इसको इंग्लिश में हम क्या बोलेंगे, इक्वलीब्रियम, अब इक्वलीब्रियम बोलते हैं तो इसको हम ई से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है, ई से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है, तो देखो तुल्यांक की भार अणु भार बटे अधिकतम संयोजकता, अब NaOH को तुल्यांक की भार निकालना है तो भाई अणु भार निकालना पड़ेगा और अधिकतम संयोजकता, तो भाई अणु भार तो है कोई दिक्कत नहीं, अधिकतम संयोजकता देखो Na पर होता है 1 प्लस और OH पर क्या होता है 1 माइनस होता है ना, ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हम निकाल लेंगे, ठीक है, तो अणु भार क्या हो जाएगा, Na का कितना होता है बेटा 23, है ना, O का कितना होता है 16 और H का कितना होता है 1, ठीक है, और अधिकतम संयोजकता ये भी 1 और ये भी 1, इसमें हमें क्या होता है साइन नहीं देखना पड़ता कि प्लस का है या माइनस का है, हमें बस संख्या देखनी है बढ़ती है कि कौन सी संख्या बड़ी है, अब जैसे एक और एक है इसमें तो एक ही बड़ा है तो भाई अधिकतम क्या है एक ही है, ठीक है, तो इसमें हम 40 ये आ गया, एक से भाग लगाएंगे कितना आ जाएगा 40, और बाकी ये चीज हमने आपको निकाल के पहले ही बता दी, ठीक है, चलो ये फॉर्मूला याद रखना, तो ये बहुत जरूरी है फॉर्मूला क्योंकि आगे हमें जरूरत पड़ेगी इनकी, ठीक है, नेक्स्ट है ग्राम सूत्र द्रव्यमान, अब ग्राम सूत्र द्रव्यमान का भार बटे क्या होता है अणु भार होता है, ठीक है, भार बटे क्या होता है बेटा अणु भार, अणु भार, तो ये बेसिक फॉर्मूले हैं जो आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, अगर इनको याद नहीं रखोगे तो आगे आपको दिक्कत जाएगी फिर पढ़ाई करने में, ठीक है, तो ये बेसिक सी चीज़ है, आज लंबी वीडियो नहीं होगी, आज बस छोटी ही वीडियो है क्योंकि आपने अभी तक जो 2-3-4 क्लासेस हो चुकी हैं इनको नहीं पढ़ा है, तो बस आपको ये समय दे रहा है कि भाई आज पढ़ लो, ठीक है, आज ये साथ भी कर लेना कंप्लीट, इधर तक आप कंप्लीट करो पिछली 2-3 क्लासेस देखकर, और फिर कल से हमारे फिर
स्ट्रॉन्ग वीडियो आएगी, है ना। तो भाई आज कल ये आपको सजेशन है और एक आपको समझाना भी था कि भाई समझ जाओ यार, पढ़ाई करने लगो, है ना। आप ही का फायदा है उसमें, मेरा कोई फायदा नहीं है, ठीक है। मेरा तो इतना फायदा है कि यार आप वीडियो देखोगे तो भाई आपका व्यू मिलेगा मुझे, ठीक है, तो मेरा चैनल जो है वो बूस्ट करेगा, बस इतना फायदा है। बाकी ज्यादा से ज्यादा फायदा तो आप ही को है ना, ठीक है। तो भाई इतना करो कि यार अच्छे से पढ़ाई करो, पिछली दो तीन क्लासेज इनको अच्छे से यार देख लो, आप अच्छे से समझ लो, और यहाँ तक आप आज कंप्लीट कर लो, आज ही कंप्लीट करना है, और कल से भाई आपकी जो है ना आगे हम पढ़ाई को पढ़ाएंगे, तो इसमें कोई वो नहीं रहेगा, ठीक है। कोई वो आपको नहीं दिया जाएगा कि भाई अभी पढ़ा नहीं या कुछ भी, है ना, ऐसा बिल्कुल नहीं, ठीक है। अच्छे से बेहतरीन पढ़ो और मस्त फिर अपन आगे बढ़ते हैं कल से, ठीक है। तो बस आज की वीडियो बस इतना ही है, बस मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, टाटा बाय।